अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। वीकली होरोस्कोप 8-14 मार्च, टॉरस वालों को बताने लगा हूं आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। बुर्ज सौर वालों के लिए इस हफ़्ते में बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो कि तवातर के साथ जो है वो आपको मिल रही हैं। चंद एक चीज़ें जो नेगेटिव चल रही थी वो भी अब आपके पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकता है। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ के इसको मज़ीद अपने लिए बेहतर बना सकें। सबसे पहले टॉरस, आपके असेंडेंट में जो है वो वीनस आ चुका, आपका अपना साइन लॉर्ड है ये आ चुका है 5 मार्च से, ये आपके असेंडेंट में आ चुका है और ये 3 अप्रैल तक जो है ये आपके असेंडेंट में मौजूद रहते हुए आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। डिटेल हम करते हैं। मरकरी जो कि आपके जायचक के 12वें हबूत के घर में था, ये रेट्रोग्रेड करके आपके जायचक के 10वें कैरियर के घर में आ गया है और अभी इसकी रेट्रोग्रेशन जारी है, लेकिन ये 10 तारीख को जो है वो मुस्तकीम हो जाएगा, यानी बिल्कुल मिड से पहले पहले ये मुस्तकीम हो जाएगा और उसके बाद ये 17 तक यहीं पर क्याम करेगा। कमर दरकब है 12-13-14 को, ये आपके जायचे के 7वें घर में इसका हबूत होगा, कमर का, जो कि आपके समाजी तल्लुकात से का हाकिम सैयारा है। इसके अलावा शम्स आपके जायचे के 11वें मौजूद है और अपनी डिग्रीज़ को जो है वो मैच्योर करता चला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप पे किस तरह से असरअंदाज होंगी, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जोहरा, जोहरा आपके असेंडेंट में मौजूद है और इसके साथ साथ यूरेनस भी मौजूद है। यूरेनस पे मोस्टली हम बात कम करते हैं, लेकिन चूंकि ये अब एक ही डिग्रीज पे इस हफ्ते में जो है वो आ जाएंगे तकरीबन, ये हफ्ता जब स्टार्ट होगा 8 मार्च को तो 3 डिग्री पे जो है वो वीनस आ चुका होगा और 3 डिग्री पे ही यूरेनस मौजूद है। आपके मिजाज में बहुत पॉजिटिव चेंजिंग आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, आप क्रिएशन की तरफ जाएंगे, तब्दीलियों की तरफ जाएंगे, नए आइडियाज़, नई पर्सनालिटी, नई ड्रेसिंग, बहुत कुछ नया, अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अगर आप चाहें, यानी आपके अपना भी फेल इख्तियारी इसमें शामिल है, जहन में रखिएगा, हर चीज़ सियारे नहीं होते। सियारे सिर्फ आपको पुश करते हैं, मूव देते हैं, हालात बनाते हैं, उसके बाद इंसान अपने फेल से उनको अपने लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है। अगर ये सारा कुछ इसी तरह से चल रहा है तो फिर आपको बताने का फ़ायदा कोई नहीं, वो तो फिर होना है जो भी होना है। बताने का फ़ायदा ये होता है या जानने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको अपने लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो बी रेडी, बी केयरफुल, ये हफ़्ता आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, ये तब्दीलियों का हफ़्ता है आपके लिए और आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा ही पॉजिटिव चेंज जो है वो आता जाएगा। लोग अब आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जा होते नज़र आ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेट जो है वो लग रहा है, यानी आप अपने ही हल्का अहबाब में कुछ प्रोमिनेंट हो रहे हैं। जब भी किसी का मैंने देखा है कि सियारा अच्छी पोजीशन में होता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, तो आप कुछ भी ना देखें उसकी चाल में फ़र्क होता है, उसकी गुफ्तगू में फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से जो उसको वेव्स मिल रही वो बड़ी पॉजिटिव है। अब ऐसे ही देख लें कि अगर पावर पूरी आ रही हो तो आपका बल्ब आपको पूरी रोशनी देता है, और अगर पावर कम हो तो ऐसे लगता है जैसे वही जो कमरा है उसमें अंधेरा अंधेरा सा है, या आपके कमरे की आपने ज़्यादा लाइटें चलाई हुई थी उसके बाद एक बंद कर दें तो आपको फ़र्क महसूस होगा। इसी तरह अब पूरी लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं। वीनस ये मोहब्बत का सैयारा है, खूबसूरती का, हुसन का, जमाल का, तो ये आपकी नेचर में खूबसूरती लेके आएगा, पोलाइटनेस लेके आएगा, मिलनसारी लेके आएगा। और यहाँ पर ये भी बताता जाऊँ कि मैंने कई बार ये चीज़ें भी देखी हैं कि अगर वीनस या जैसे भी कोई किसी का अपना सैयारा अच्छी पोजीशन में आता है तो वो जैसे आपे से बाहर हो जाता है, वो नहीं होना। हज़रत अली का एक फरमान है इसी तरह कि इंसान को जब ताकत और इख्तियार मिलता है तो वो बदलता नहीं है, उसके जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। सो इसको आपने बी केयरफुल, कंट्रोल करना है और लोगों में एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी बन के आप जो है वो उजागर हो सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आपके कैरियर रोजगार के घर में मरकरी आया है, मरकरी जो कि आपके खाना माल का और आपके 5वें घर का दोनों का हाकिम है, यानी आपकी एक से ज़ायद सोर्स ऑफ अर्निंग भी,
आपके लकी नामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन भी और आपकी अपनी माली पोजीशन भी। अभी ये 10 तारीख तक जो है ये रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन 10 तारीख के बाद ये आपके मामलात को बेहतर करता चला जाएगा। अखराजात में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, अब आपको संभलना शुरू हो जाएंगे। आपके जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे कारोबारी हवाले से, कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई आप नहीं कर पा रहे थे, तो उसको रिव्यू करने का आपको मौका मिलेगा। पहले दो दिन आप जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकेंगे, देख सकेंगे, पुट अप होके दोबारा आएंगी। रिव्यू में जाके आप एक बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आएंगे। स्पेशली या अब आपके पास वक्त है, अगर आपके कोई माली एग्रीमेंट्स पेंडिंग है, जैसे कि मैं कह रहा था कि माली एग्रीमेंट्स की तरफ ना जाएं, अब अगर कोई पेंडिंग है तो आप इस हफ्ते में उसको कीजिए। बल्कि आपके पास 17 अप्रैल तक का टाइम है, 10 से 17, ये 7 दिन अपने इन मामलों को, रिटर्न एग्रीमेंट्स को या ओरल कुछ भी, अब आप जो है उसको फाइनलाइज़ कीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगी, आपके बच्चे आपके काम में आपको हेल्प करते नज़र आ रहे हैं, आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से बच्चों के साथ मशावरत भी जो है वो आपको अच्छा रिज़ल्ट जो है दे सकती है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि एक बार फिर आप जो है वो एक से ज़ायद कामों की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो बढ़ेगी और ये काम आप बेहतर तौर पे अंजाम दे सकेंगे। तीसरे, कम्युनिकेशन का हाकिम सैयारा कमर, ये आपके जायचे के 7वें रिलेशनशिप के घर में जो है इसको हबूत होगा। ये डेट जो है वो 12, 13 और 14 है। तो आपने 12 तारीख को 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का सदका देके अपनी इन चीज़ों को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। स्पेशली नज़दीकी सफ़रों से पहले इस दिन सदका आप ज़रूर दीजिए, बल्कि मैं कहूँगा ज़रूर बिल ज़रूर दीजिए। और अपने शरीक हयात या शरीक हयात के साथ किसी भी किस्म के क्लैश से आपको बचना है, तल्लुकात से आप ख़राब होने से आपको जो है बचाना है। ज़ोरा की 5वीं नज़र आपके जायचे के जो है वो 5वें घर पे, 5वां घर जैसे आप जानते हैं आपके लव लाइफ का है, आपके बच्चों से रिलेट करता है, आपके फ्यूंसी के साथ आपके तल्लुकात हैं, आपकी मंगनी की तरफ जो है ये मूव लेगा। और इसकी 5वीं नज़र आपकी मंगनी तय पाने में बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा करेगी। इसके अलावा आपके 7वें घर का हाकिम सैयारा मरीख, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन में शर्फ के घर में मौजूद है जैसे मैंने बताया था। तो आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद हैं। इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और आपके रिलेशनशिप में अगर आपने वही 12 तारीख को सदका दे दिया तो इंशाल्लाह आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी सिमत में चल रहे हैं। निशागदारी की ऑफ़र हो सकती है आपको, जो कि आपके ससुराली साइड से जो है वो मिल सकती है या ओवरसीज से आपके लिए जो है वो कुछ बहुत अच्छा आ सकता है। इसके अलावा मार्स आपके जायचे के 9वें घर में मौजूद है, बिरूनी मुल्क सफ़र की राहें आपके लिए खोल रहा है, ससुराली होकर आपके साथ तल्लुकात बेहतर बना रहा है, खानगी माहौल को जो है वो काफ़ी अब आपके लिए बेहतरी हो गई, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप अगर आप इस वक्त ज़ियारत मुकद्दसा की तरफ जाना चाहते हैं तो इस वक्त उसके लिए स्टेप्स लेना, इसी तरह जो हज की सआदत है उसको हासिल करना चाहते हैं तो अभी उसके प्रोसेस में जाना बेहतर है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन बचेगा तो वो उस टाइम पे उसको अवेल कर सकेगा जो इस वक्त प्रोसेस में गया होगा। तो इस वक्त प्रोसेस में जाना बेहतर है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, स्पिरिचुअलिज्म, स्पेशलाइजेशन, हायर एजुकेशन और इसके अलावा ससुराली जोकर आपके साथ तल्लुकात, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होती नज़र आ रही हैं। आपका शरीक हयात या शरीक कार दोनों, ये भी आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव करेंगे, इनके साथ आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो भी कर सकते हैं। आपके कैरियर रोज़गार का हाकिम सियारा जोहल कदम कदम जो है वो आपके 10वें घर कैरियर के घर की तरफ जो है मूव कर रही है, बहुत अच्छी पोजीशन है और मदरी लॉ के साथ आपके तल्लुकात बेहतर बनाएगा। इसके अलावा आपके फादर के साथ आपके तल्लुकात जो है वो काफ़ी बेहतर होते चले जाएंगे। आपकी वालदा आपकी ख्वाहिशात की तकमील में आपको हर मुमकिन तआवुन करती नज़र आ रही हैं। पिछले दिनों जो मरकरी के पास होने की वजह से जो है वो थोड़ी सी क्लैश की सूरत बनी थी, अब वो भी बैलेंस होती चली जाएगी। बेहतरीन मशावरत के लिए आपके वालिद मौजूद हैं। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि लोग दुनिया में अपने लिए पीर ढूंढते फिरते हैं, कोई हमें अच्छी दुआ दे, कोई हमें अच्छा, आपके वालदैन से बेहतर ना आपका कोई दोस्त हो सकता है, ना इनसे बेहतर कोई आपके लिए पीर हो सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी दुआ आपके लिए अक्सीर का काम करती है, मुजर्रब तरीन है। और ये मैं नहीं कहता, ये सरकार दो आलम से यही फरमुदात हम तक आते हैं
कि माँ बाप की दुआ जो है वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तोहफा जो है वो साबित हो सकती है। तो इस वक्त कोशिश कीजिएगा इनकी बेहतरीन दुआएं आप लें। मैरिज ब्यूरो हमने आपके लिए ओपन किया है और जेम स्टोन के ऊपर भी बहुत सारी प्रमोशन इस वक्त चल रही हैं। ज़ाइचय के जो फी है उसमें भी कमी के हवाले से आपके लिए प्रमोशन जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अभी तक अगर आपने उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हुए तो हमारी वेबसाइट देख लीजिए या कम्युनिटी सेक्शन में फेसबुक पे सब जगह पे आपके लिए प्रमोशन जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। बिल्कुल एंड पे कहूँगा चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ मिल सकें। और अपनी दुआओं में मुझे मेरी मीडिया टीम को ज़रूर याद कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा और दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।